गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल फन विद मी। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कपालभाति के बारे में। तो कपालभाति के मैं आपको फ़ायदे भी बताऊंगी। आज के इन्वायरमेंट में जो पोल्यूशन है उसमें जो बैक्टीरिया होता है वो हमारे सांस के द्वारा ब्रेन तक चले जाते हैं और लेयर पर लेयर बनाते जाते हैं। अगर हम ये कपाल बेस हर टाइम बेस पे ये कपालभाति और मोस्ट ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर मैंने आपको जैसे कि अभी कपालभाति करके दिखाया सेम आपको वैसे ही करना है। मैं पहले ही बता देती हूँ, जिससे भी अस्थमा से रिलेटेड प्रॉब्लम है या कान से रिलेटेड प्रॉब्लम है ये इसे ना ही करे तो बहुत बेहतर है। ये आपके शरीर के लिए नुकसान है और ये आपको नहीं करना है। इट इज़ सो डेंजर। सो मैं आपको बता मैंने अभी आपको करके दिखाई कपालभाति, सेम आपको वैसे ही करना है। आपको क्या करना है, सांस तेज़ी से अंदर लेनी है और जो ये स्टमक है ये ऐसे करना है और शोल्डर कुछ नहीं हिलना चाहिए। आपको ऐसे ही करना है जैसे मैंने अभी आपको अपनी बताया है करके कपालभाति, वैसे ही आपको सेम करना है। और आपको ये कितनी देर के लिए करना है मैं वो भी बता देती हूँ। आपको मिनिमम 2 मिनट्स मैक्सिमम 10 मिनट्स ये करना है, कोशिश कीजिएगा। और सुबह ये ज़रूर करना है आपको। मेरी वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करना। मैं ऐसे न्यू वीडियोस लेके आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल मेट।